दोस्तों, अगर आपका लक्ष्य विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के दो कोर्सेज, जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चैप्टर वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज और 5-6 के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। इसके लिए आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स इसको डाउनलोड करनी होगी। वहां पर आपको यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आदि 250 से अधिक कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप फ्री नोट्स डाउनलोड करना चाहें तो हमारे एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में फ्री नोट्स डाउनलोड का भी ऑप्शन है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉलिजन की स्थिति को गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये यूजीसी नेट में पब्लिक फाइनेंस में आपको मिलेगा और डिटेल में हम आपको समझाएंगे। इससे पहले तो टॉपिक का नाम जो है वो है हमारा रेगुलेशन ऑफ मार्केट कॉलिजन एंड कंज्यूमर वेलफेयर। तो बच्चों, जब जब कॉलिजन होता है तब तब आप कह सकते हो कि कंज्यूमर के वेलफेयर में कमी देखने को मिलती है, इसीलिए सरकार को मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना पड़ता है। तो किस तरीके से सरकार मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करती है वो सब के सब हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको कॉलिजन का मतलब बता देते हैं। देखिए, कॉलिजन में क्या होता है आप बहुत सिंपल तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कुछ फर्में हैं, मान लीजिए हम तीन फर्में मान लेते हैं, ABC, तो आपस में ये प्रतियोगिता यानी कंपटीशन को त्याग कर देती है, कंपटीशन को छोड़ देती है। एंड तीनों ही फर्मों का जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। यानी कि प्रॉफिट को मैक्सिमम दो प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है कि जो प्राइसेस हैं वो हाई कर दिए जाएं, और दूसरा है क्वांटिटी को, आउटपुट क्वांटिटी को लो कर दिया जाए। तो बच्चों, इसके लिए जरूरी है कि इन तीनों का मार्केट के पूरी की पूरी मार्केट पर कब्जा हो। यानी कि अगर मार्केट शेयर जो है उन तीन फर्मों के पास है अधिकांश मार्केट शेयर, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। क्योंकि अगर इनके पास मार्केट शेयर नहीं है तो हो सकता है कि इनकी कीमत बढ़ाने के बाद किसी और फर्म को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है मार्केट पर कब्जा करने के लिए। इसीलिए कॉलिजन के लिए आवश्यक है कि जो सबसे बड़ी बड़ी फर्में हैं वो आपस में किसी प्रकार का एग्रीमेंट करें। यानी कि कॉलिजन अकर्स व्हेन राइवल फर्म्स एग्री टू वर्क टुगेदर फॉर सेटिंग हायर प्राइस। यानी कि अभी तक तो ये राइवल प्राइस थी, लेकिन अब ये क्या हो गई है, एग्री हो गई है टू सेटिंग हायर प्राइस और लोअर आउटपुट इन ऑर्डर टू मेक ग्रेटर प्रॉफिट। यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए या तो वो ऊंची कीमत पर प्राइस पर तैयार हो जाती हैं या वो लोअर आउटपुट पर तैयार हो जाती है। इस स्थिति, इस कंडीशन को बच्चों हम बोलते हैं कॉलिजन। यानी कि कॉलिजन इज द वे टू फॉर फर्म टू मेक हायर प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर। यानी कि इस स्थिति में जो कंज्यूमर वेलफेयर है उसमें कमी देखने को मिलती है। तो बच्चों, किस तरीके से मार्केट सिस्टम में कंज्यूमर वेलफेयर में कमी आती है उसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो देखिए, हालांकि मैंने अलग डायग्राम बना रखा है, लेकिन मैं आपको एक डायग्राम अलग से बना के दिखा देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने के लिए कंसेप्ट को। ये मान लीजिए हमारा डिमांड कर्व है। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से कॉलिजन की वजह से मार्केट सिस्टम में कंज्यूमर को नुकसान होता है। तो मान लीजिए ये हमारा सिंपल तरीके से ये AR है। आपको पता होना है कि AR इज़ द डिमांड कर्व एंड MR इज़ द डाउनवर्ड एज वेल, और ये हमारा MR कर्व है। एंड वी अज्यूम दैट MC जो है वो ये वाली MC है, मार्जिनल कॉस्ट, एंड मार्जिनल कॉस्ट भी सप्लाई कर्व होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला होगा। अगर कंपटीशन होता, मैं थोड़ी देर के लिए इस MR को हटा रहा हूँ, इस वाली लाइन को मैं हटा रहा हूं, अब सिंपल तरीके से समझें। ओके, तो मान लीजिए अगर कंपटीशन हो रहा है तो परफेक्ट कंपटीशन में तब इक्विलिब्रियम होता है जब डिमांड और सप्लाई बराबर बराबर हो। यानी इस केस में जो फर्म आउटपुट करेगी वो ये वाला करेगी और जो प्राइस चार्ज किया जाएगा वो ये वाला चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को नंबर देता हूं मैं 1, 2 और 3 और एरिया 4 और 5, ये हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। यानी कि जो एरिया है कंज्यूमर सरप्लस वो ये वाला है। मैं एरिया को शेड कर रहा हूं आप बच्चों के लिए, ये कंज्यूमर सरप्लस है। और ये जो एरिया है जिसे मैं आपको रेड कर देता हूं, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस है। क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर जो विलिंग टू पे है और जो एक्चुअल में पे करता है उसके बीच का डिफरेंस होता है कंज्यूमर सरप्लस। तो ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी आपको कंज्यूमर सरप्लस का बताया हुआ है। मैं आपको यहां लिख देता हूं कि इस केस में जो कंज्यूमर सरप्लस है, जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है एरिया 1, 2, 3, और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो एरिया 4, 5। यानी कि टोटल सरप्लस का एरिया हमें ये दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए कि फर्में जो हैं वो कॉलिजन बना लेती है, तो कॉलिजन फर्में जो होती है वो मोनोपोली की तरह बिहेव करती है। यानी कि अब ये क्या करेंगी, इनका प्रयास रहेगा कि आउटपुट को कम किया जाए
और प्राइस को हाई चार्ज किया जाए। इसके लिए मान लो वो पॉलिसी जो अपनाती है वो अपनाती है MCMR वाली पॉलिसी, यानी कि ये वाला जो है इनकी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू है, यानी कि फर्म जो है वो अपनी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर प्राइस चार्ज करने के बारे में फैसला लेती है। यानी कि अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मान लीजिए पहले ए था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा बी, यानी कि अब फर्में जो हैं वो कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगी और ज़्यादा जो प्राइस है वो चार्ज करेंगी। अब आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, जो एरिया टू जो था, यानी कि ये जो एरिया है ये वाला, अब ये एरिया जो है वो लॉस हो गया कंज्यूमर का, यानी इस केस में कंज्यूमर सरप्लस में कमी देखने को मिली, साथ ही साथ ये वाला एरिया भी लॉस हो गया कंज्यूमर का। लॉस हो गया कंज्यूमर का, यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि अब जो एरिया है कंज्यूमर सरप्लस जो है, अब जो कंज्यूमर सरप्लस है वो है एरिया वन, ओनली एरिया वन, ठीक है। यानी कि जो लॉस हुआ है कंज्यूमर को, लॉस हुआ है, लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हुआ है वो हुआ है बच्चों एरिया टू और एरिया थ्री का। अब इसके बाद हम बात करें बच्चों, तो यहां पे हमें समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर को क्या हुआ है। प्रोड्यूसर को इस एरिया का गेन हुआ है, यानी कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये गेन है प्रोड्यूसर का। यानी कि पहले जो प्रोड्यूसर को मिलता था एरिया फोर वो अब मिलता रहेगा, लेकिन इसके लिए ये वाला जो एरिया है ये लॉस हो जाएगा प्रोड्यूसर का। यानी कि अल्टीमेटली एरिया थ्री और एरिया फाइव जो है वो हमारा लॉस में माना जाएगा, और ये दोनों एरिया मिलाकर कहलाता है डेड वेट लॉस। लेकिन अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो कंज्यूमर है, यानी कि कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार की ये जिम्मेदारी है, या सरकार प्रयास करती है कि वो प्रतियोगिता को बढ़ावा दे। अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ, भारत में CCI जो है वो यही काम करती है। इनके भारत में एक विभाग है जिसको बोलते हैं हम CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भारत में इस ओलिगोपॉली को, सॉरी इस कॉलिजन को, या इस तरीके के कॉलिजन को जो प्रतियोगिता को, जो कंपटीशन को रोकते हैं, उनको रोकने के लिए बनाई गई है। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर कुछ फर्में आपस में मिलकर इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहां पर वो कंज्यूमर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगी, मान लीजिए अमेजोन फ्लिपकार्ट दो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो सारा का सारा नुकसान जो होगा वो कंज्यूमर को ही होगा। तो इस तरीके की डील को रोकने की जो जिम्मेदारी है वो CCI की है। तो यानी कि इसका आप कह सकते हो कि मार्केट सिस्टम में गवर्नमेंट के कंट्रोल की, रेगुलेशन की आवश्यकता होती है। यानी कि मार्केट सिस्टम को इस तरीके से आजाद नहीं छोड़ा जा सकता कि कोई भी आए अपना सामान कितनी भी कीमत डिसाइड कर ले, बल्कि सरकार को मार्केट सिस्टम को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से गवर्नमेंट रेगुलेट करती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे ही बच्चों। फिलहाल आप कंसेप्ट को आगे समझते हैं, इसी कंसेप्ट को आगे कि किस तरीके से कॉलिजन चार्ज किए जा सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि एग्रीइंग टू इंक्रीज प्राइस ऑफ फेस्ड कंज्यूमर, यानी कि मान लीजिए कंज्यूमर 50 रुपए में सामान खरीद रहा है, सभी फर्में मिल जाएं और बोले कि जी 50 रुपए की जगह अब हम 60 रुपए में सामान बेचेंगे, तो यह भी एक तरीका हो सकता है कि सभी फर्में आपस में मिल जाएं। इसके अलावा डील विद डील्स बिटवीन सप्लायर एंड रिटेलर्स, यानी कि सप्लायर और रिटेलर के बीच में डील हो जाए कि जी आप सस्ता मत बेचना, कोई भी डीलर सस्ता नहीं बेचेगा, इस तरीके की डील हो जाए। इसके अलावा मोनोपसोनी प्राइसिंग, मोनोपसोनी मतलब जो खरीदने वाला है वो बेचने वाले से बार्गेनिंग करके अपनी मजबूत स्थिति में आ जाए, यानी कि जो रिटेलर्स हैं वो आपस में मिल जाएं और उससे मिलने के बाद वो एक तरीके से सप्लायर पर ये प्रेशर बनाए कि वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन दे, और वो प्रॉफिट मार्जिन कंज्यूमर से ही वसूला जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके अलावा कॉलुजन बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि एग्जिस्टिंग फर्म अपना कॉलुजन कर रहे हैं कि नई फर्मों को वो एंट्री करने ही नहीं देंगी, जब नई फर्में एंट्री करेंगी ही नहीं तो डेफिनेटली जो कीमतें हैं उसमें कभी गिरावट देखने को मिलेगी ही नहीं। तो इस तरीके का भी बच्चों एग्रीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं, जैसे एक कोटा डिसाइड कर दिया जाए, आउटपुट का कोटा या प्राइस का कोटा। तो ये सारे तरीके हैं जो ओलिगोपॉली या आप कह सकते हो कॉलुजन जो है वो यूज़ करती है। तो बच्चों इसमें हमने आपको कुछ टाइप्स भी बताए हैं, जैसे फॉर्मल कॉलुजन है। फॉर्मल कॉलुजन का मतलब क्या है कि कुछ फर्में जो हैं वो रिटर्न एग्रीमेंट कर लेंगी, आपस में समझौता कर लेंगी, ओपन समझौता कर लेंगी। हालांकि फर्मों के लिए इस तरीके का समझौता अधिकांश देशों में इलीगल है,
लेकिन जहां खासतौर पे जहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है वहां पर इस तरीके के समझौते करने से रोका जाता है। लेकिन देश जो है, जैसे मान लीजिए ओपेक है, ओपेक तेल निर्यात करने वाले यानी कि तेल बेचने वाले देशों का समूह है जो एक्सपोर्ट करती है ऑयल, इन्होंने अपन आपस में ग्रुप बना लिया है और इस कॉलिजन करने के बाद तेल की कीमतें लगातार बढ़ी है। यानी कि ये ग्रुप क्या करता है, ये संगठन क्या करता है कि कीमतों को ऊंचा रखने के ऑब्जेक्टिव से सप्लाई चेन पे ये कंट्रोल करता है और जैसी सप्लाई कम होती है प्राइसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि जब फॉर्मल एग्रीमेंट बन जाता है, कॉलिजन मतलब जहां पर जो आउटपुट है उसका कोटा डिसाइड कर दिया जाता है अलग अलग फर्मों के लिए, तो इस तरीके का जो स्थिति है उसको बोलते हैं फॉर्मल कॉलिजन। इसके अलावा एक टैसिट कॉलिजन भी होता है। टैसिट कॉलिजन का मतलब है कि जो फर्में हैं वो एक दूसरे की पावर से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, वो जानती हैं कंपटीशन करने से कोई फायदा नहीं होगा, वो जानती हैं कि अगर उन्होंने एक बार भी कंपटीशन में किया तो दूसरी फर्म भी अपनी कंपटीशन में उतर आएगी, इससे नुकसान दोनों ही फर्मों का होगा। तो जब दोनों फर्में एक दूसरे की पावर को समझ लेती हैं तो वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लेती हैं। जब दोनों ही एक्शन नहीं लेंगी तो इसका मतलब है कि जो उपभोक्ता है उसको, कंज्यूमर जो है उसको ऊंची कीमत ही देनी पड़ेगी। इसके अलावा प्राइस लीडरशिप, देखिए प्राइस लीडरशिप में क्या होता है, कुछ जो बड़ी फर्में होती हैं वो एक तरीके से प्राइस सेट कर देती हैं, जो मार्केट लीडर प्राइस तय करती है और बाकी की फर्मों को उसी प्राइस पर अपना सामान को बेचना पड़ता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके हमने आपको डिस्कस किया। तो बच्चों किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहला तरीका जो है जो हम डिस्कस कर सकते हैं वो है नंबर वन, हायर फाइन। देखिए इस केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है या कंपनियां हैं जिन पर ये साबित हो जाए कि इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो कि कंपटीशन को रोकती हैं, कंपटीशन को कम करती हैं, तो ऐसी फर्मों पर हायर लेवल पे फाइन लगाया जा सकता है। सरकार बहुत बड़े बड़े फाइन लगाती है, 1,000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, यानी कि जिस तरीके का क्रिमिनल एक्टिविटी ये कर रहे हैं, जिस तरीके का ये क्राइम कर रहे हैं, जिस तरीके का ये कह सकते हो गवर्नमेंट की नज़र में जिस तरीके की उन्होंने एक्टिविटी की है उसके अकॉर्डिंग ये फाइन लगाते हैं, तो काफी भारी भरकम इन कंपनियों पर फाइन लगाया जाता है। तो ये भारत में फाइन लगाने का जो काम है वो सीसीआई करता है। बच्चों सीसीआई के ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको इंडियन इकोनॉमी मिल जाएगी। फिलहाल आपको बता देते हैं कि हायर फाइन की वजह से इसको रोका जा सकता है। दूसरा, क्रिमिनल चार्ज फॉर एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो अधिकारी हैं, उनको पनिश किया जाए, इसके लिए उनको जेल भी हो सकती है और इसके अलावा उनको फाइन भी लगाया जा सकता है, उनको आगे प्रैक्टिस करने से रोका भी जा सकता है। यानी कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, जो डायरेक्टर पोस्ट पर बैठे हुए हैं या जो मैनेजमेंट में टॉप पोस्ट पर हैं, क्योंकि कंपनी पर तो फाइन ही लगाया जा सकता है, कंपनी को जेल में तो बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है, वो है रेगुलेशन ऑफ मर्जर। यानी कि देखिए होता क्या है कि बहुत सारी कंपनियां दूसरी कंपनियों को बाय करती है, जैसे ए कंपनी ने बी कंपनी को बाय किया। अब आपने देखिया जैसे बायजू ने बहुत सारी कंपनियों को बाय कर रहा है, आकाश इंस्टीट्यूट को बाय कर लिया है, तो इस तरीके का जो बाइंग होती है, यानी कि एक बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को बाय करती है तो इस तरीके का जो मर्जर है उसको पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। यानी कि सरकार अगर उस मर्जर को इजाजत देती है तभी उस तरीके के जो मर्जर हैं वो पूरी एक तरीके से करेंगे, यानी कि बिना सरकार की परमिशन के इस तरीके के मर्जर नहीं होते। बच्चों ऐसा नहीं है कि अमेजोन का मन किया कि फ्लिपकार्ट को बाय कर लो तो वो बाय कर लेगी, इस तरीके के जो मर्जर हैं वो पॉसिबल नहीं होते क्योंकि सरकार इनको रेगुलेट करती है। इसके अलावा बच्चों स्क्रीनिंग ऑफ मार्केट डेटा, यानी कि सरकार क्या कर सकती है, मार्केट डेटा का एनालिसिस कर सकती है, वो देख सकती है कि कीमतें जो हैं वो किस कारण से बढ़ रही है, क्योंकि सरकार के पास भी एक मैकेनिज्म होता है, एक तरीका होता है जिसमें सरकार, देखिए बहुत मैं आपको बता देता हूं, जैसे केस है जिसमें मारुति का जो डीलर है वो एक ने किसी को डिस्काउंट दिया किसी कस्टमर को, तो मारुति कंपनी ने जो डिस्काउंट देने वाले डीलर है उस पर अच्छा खासा फाइन लगा दिया। तो इस तरीके का जो प्रोविजन है, क्योंकि ये जो तरीका है एक तरीके का, ये आप कह सकते हो सीसीआई ने मारुति के ऊपर 200 करोड़ का फाइन लगाया इस बात को लेकर, यानी कि मार्केट में किस तरीके की एक्टिविटीज हो रही है इसके लिए वो स्क्रीनिंग करती है, उनके पास काफी सारे तरीके हैं बच्चों। इसके अलावा एक और तरीका है जिसको बोलते हैं लीएनसी प्रोग्राम्स। इसके अंतर्गत जो और फर्में हैं, जैसे मान लीजिए कार बनाने वाली बहुत सारी फर्में हैं जो कार बनाती हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस चलाती हैं, तो वो दूसरी कंपनी के खिलाफ इस तरीके की कंप्लेंट कर सकती है कि देखिए ये तो जो कर रहा है एक तरीके से मार्केट में
जो एक्टिविटी कर रहा है ये इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, या आप कह सकते हो कंपटीशन को कम करने की एक्टिविटी कर रहा है, तो इसके खिलाफ सरकार जांच करती है और अगर जांच में दोषी पाया जाता है तो ऐसी कंपनियों पे फाइन भी लगाया जाता है। ये सारे के सारे तरीके हैं जिनको सरकार यूज कर सकती है, यानी कि सरकार जो है वो मार्केट सिस्टम को फ्री नहीं छोड़ सकती। देखिए हम बार बार यही समझ रहे हैं, हमने अभी तक समझा कि मार्केट मैकेनिज्म ही सबसे बेस्ट तरीका होता है जहां पर डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज ही सब चीज डिसाइड करते हैं, लेकिन हम ऐसे कई तरीके सीख चुके हैं जहां पर मार्केट मैकेनिज्म को फ्री नहीं छोड़ा जा सकता। जिसमें से एक तरीका हमने पढ़ा पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ा, एक्सट्रिटीज के बारे में पढ़ा, कॉमन, इसके अलावा असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, और एक और तरीका, एक और वजह है जिसमें सरकार को इंटरफेयर की आवश्यकता होती है, वो है कॉलूजन। यानी कि जब कॉलूजन होता है तो सरकार मार्केट सिस्टम को रेगुलेट करती ही करती है। इसके अलावा जब नेचुरल मोनोपोली होता है तभी भी सरकार रेगुलेट करती है। तो अगली वीडियो में बच्चों आपको रेगुलेशन ऑफ नेचुरल मोनोपोली किस तरीके से काम करता है, हालांकि हमने ये ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स में डाला हुआ है, लेकिन अब हम आपको पब्लिक फाइनेंस में ये पढ़ाएंगे। तो आपको हमारे स्टोर में जो ऐप है, कोर्स है, सिस्टमेटिकल तरीके से बच्चों हम कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां पर आपको ये वीडियो जो है ये वाली और अगली वीडियो भी मिल जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।